के भाजपा ये लड़ाई होगी जनमानस में मैं काफी प्रशंसा किया है कि अब गाली देना है तो इंडिया को गाली दो, भाजपा वाला गाली दो, हिम्मत है तो इसलिए काफी लोगों ने सराहा है ये नाम। और लालू प्रसाद यादव फिर अपने वही पुराने अंदाज में नजर आए हैं। आपको बताते चलें 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसी को लेकर जितने भी नेता हैं सब किसी ना किसी तरीके से सारे लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव फिर वही अपने चिर परिचित पुराने अंदाज में नजर आए हैं। आप सुने क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। हिस्सा लिया था, अंग्रेजों को मार भगाया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेके आचार्य नरेंद्र देव, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी, पंडित रामानंद तिवारी जी और बिहार के न जाने सैकड़ों हमारे पुरुषों ने हिस्सा लिया और कुर्बानी दी देश के लिए। ये धर्म पछड़ते जाता है, लोग आते हैं जाते हैं, जीत का प्रवाह नहीं करते, जीत के अंदर जाते हैं, देश के जो ताने बाने हैं उसको बरकरार रखना है और ज्यादा से ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ तेज प्रताप यादव को और चुनाव आ गया यहाँ अपना आप लोगों को मालूम है यहाँ अपना अपनी पार्टी आर जे डी, जे डी यू, कांग्रेस में इसमें काफी संधि है, हम लोग इकट्ठे हैं, इकट्ठे जमीन के सरकार चला रहे हैं और चुनाव 24 का जो चुनाव बहुत नजदीक आ गया इसकी तैयारी हो रही है। इस तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और एक के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा होगा, भाजपा एक तरफ और इंडिया जो इंडिया बना है, इंडिया इंडिया वर्सेज भाजपा ये लड़ाई होगी जनमानस में। मैं काफी प्रशंसा किया है कि अब गाली देना है तो इंडिया को गाली दो, भाजपा वाला गाली दो, हिम्मत है तो इसलिए काफी लोगों ने सराहा है ये नाम। और एक के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करने की विधि प्रक्रिया क्या होगा, हम लोग महाराष्ट्र में निकट भविष्य में हम लोग जा रहे हैं, हम दिल्ली भी हम जा रहे हैं, लोगों से बात करेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हम लोगों को सब लोगों को बिल्कुल आपस में भेदभाव भूल करके भाजपा हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ, बहुत घबराहट है सबको, बहुत घबराहट एकदम जो त्रिपुरा में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, उधर जो हो रहा है आपको जानते ही हो, महिलाओं के साथ वस्त्र उतार के जो व्यवहार हुआ मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे समय में
जब देश भर के सभी धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले देश की एकता अखंडता बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली पार्टियां हम सब इकट्ठे हो गए हैं। इंडिया भर से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। निकट भविष्य में महाराष्ट्र में हम लोग फिर जुटने वाले हैं और इसमें आगे की रणनीति को तय करेंगे। इस बीच में आप सभी आप नौजवान आरएसएस के ढोल विरोधी जेएसएस के सभी नेता कर्तागण आपका दायित्व है कि देश भर में आप लोग घूमिए, देश भर में घूम के संगठन को मजबूत करिए और आरएसएस और भाजपा के खिलाफ पूरा गोलबंदी करिए। पंचायत स्तर पर जीएसएस के विचारों को पहुंचाना है। क्या है जीएसएस? बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो विधान नहीं होता संविधान। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता नरेंद्र मोदी संविधान को मिटाना चाहते हैं और इस काम में वो लगे हुए हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर देश की एकता अखंडता धर्मनिरपेक्षता और बाबा के विचारों को हम लोग मिटने नहीं देंगे। बिहार भर में आप लोगों को मालूम होगा पंचायत स्तर पर बाबा के विचारों पर चर्चा हो चुकी है। सभी नेताओं का टीम सब जगह गया, दो दिन तीन दिन बड़े पैमाने पर महिलाएं बड़े पैमाने पर गांव गाँव के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें अब बूथ स्तर पर भेजना है, जो भेज रहे बूथ स्तर मतदान केंद्र पर तक जाके पहुंचाना है लोगों को और इसमें महिलाएं भाग ले रही है। बड़े पैमाने पर महिलाएं हिस्सा ले रही है। आप लोगों से आह्वान है मेरा कि सब तरह के कामों को छोड़ करके इस काम में लगी है, देश को बचाइए। देश के नौजवान ही छात्र ही देश के रखवाले होते हैं, भविष्य के रखवाले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना पड़ा, तो नहीं कार्रवाई करोगे तो हम आएंगे आगे, हम हैं। तो ये सब काम चल रहा है और एक काम चल रहा है और आप लोग आप अपने काम चलाओ। ये जो सम्मेलन एक दिन का हो रहा है देशव्यापी, दूसरे राज्य में भी रखी छोटा नागपुर में और भी उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल में हरियाणा में पंजाब में दिल्ली में जीएसएस के कार्यक्रम को चालू करूंगे और बताओ काफी लोगों ने सराहा कि बहुत सोच समझ के और विचार करके नाम बना जीएसएस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका धर्म के सेवक संघ।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।